देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ताली बजा करके अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं मोदी 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन नागौर की इस पावन धरा पर। अब मैं निवेदन करूंगा, नागौर के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय सीआर चौधरी जी से कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का साफा पहना करके अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी से, जिला अध्यक्ष रामनिवास जी सांकला से और हमारे जिला संगठन प्रभारी अशोक सैनी जी से कि संत लक्ष्मीदास जी महाराज का समर्थी चिन्ह भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा नागौर के विधायक मोहन राम जी चौधरी से, मकराना विधायक रूपाराम जी मुरावतिया से और रेवंत राम जी डांगा से कि तेजा जी महाराज की प्रतिमा भेंट करके आप माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा गजेंद्र सिंह जी ऑडिंट नागौर देहात के जिलाध्यक्ष, पुखरा जी पहाड़िया जिला संगठन प्रभारी आपसे कि आप बैलों की जोड़ी, माननीय प्रधानमंत्री जी ये हस्तनिर्मित है, दामोदर कंसेरा जी ने अपने हाथ से दो बैलों की जोड़ी बनाई है। उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं भेंट करूंगा, आज वो दो बैलों की जोड़ी हमारे पुखराज पहाड़िया जी और गजेंद्र सिंह जी ऑडिंट। अब मैं नागौर जिले के दसों प्रत्याशियों से, जिलाध्यक्षों से निवेदन करूंगा बड़ी माला पहना करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मोहन राम जी चौधरी, रूपाराम जी मुरावतिया, जिला प्रमुख भागीरथ जी आप भी आए, आप भवानी सिंह जी कालवी, भवानी सिंह जी। नागौर विधानसभा के दसों विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़ी माला पहना करके माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप विराजे। अब मैं निवेदन करूंगा स्वागत उद्बोधन के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय सीआर चौधरी जी से कि वो आए और अपना स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। सीआर चौधरी जी बोलिए। भारत भारत माता की। अरे थोड़ा जोर से नागौर का पता लगना चाहिए। बोलिए भारत माता की। आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का बात है, हमारे मध्य देश के यशस्वी, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आज हमें संबोधन करने पधारे हैं और हम सब नागौर के सभी लोग, चाहे यहाँ प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, हम आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। माननीय, हमें खुशी है कि इस देश को अग्रणी राष्ट्रों में, वर्ल्ड के फर्स्ट फाइव पांच देशों में लाने का जो श्रेय है वो माननीय मोदी साहब को है। और इसलिए इस मीराबाई की धरती पर
तेजाजी महाराज की जन्म स्थली पर कर्माबाई राणाबाई जाम्बोजी महाराज की इस धरती पर आपका हम सब हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आज आपने सबसे पहले तेजाजी महाराज के दर्शन करके माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे हैं, और इसलिए सब एक बार जोर से तालियां बजा करके आपका अभिनंदन करें। एक बात सुनो है, मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करूंगा, तेजाजी महाराज के तो दर्शन आज की हैं, लेकिन आपने हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे निवेदन पर एक जैसलमेर से लगा करके जयपुर तक जो ट्रेन चली उसका नाम ही लीलन एक्सप्रेस किया है, इसके लिए भी जो सबसे बड़ा तोहफा था, क्योंकि तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम लीलन था, तो इसकी घोड़ी के नाम से जो ट्रेन का नाम किया उसके लिए हम हृदय से आभारी। देश के विकास के लिए जब प्रधानमंत्री जी भारत की बागडोर संभाली है, जब प्रधानमंत्री 2014 में सबसे पहले कहा था मैं गांव गरीब किसान मजदूर दलित वंचित महिलाएं युवाओं इन सब के लिए मेरी सरकार समर्पित रहेगी, जो कहा वो कर रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार जो कांग्रेस की सरकार है वैसा वादा नहीं करते, वैसा काम नहीं करते, कहते कुछ है करते कुछ है, कहते हैं करते नहीं, लेकिन जो कुछ मोदी साहब ने कहा है वो पूरा किया है। इसलिए कहते हैं मोदी जी है तो हर चीज संभव है, हर चीज मुमकिन है, और इसलिए मोदी जी की गारंटी के नाम से क्या कहा जाता है कि जो मोदी साहब कह देते हैं वर्ल्ड के नेता, अभी आपने देखा पूरे G20 के अंदर वर्ल्ड के सारे नेता यहाँ पधारे, और माननीय मोदी साहब ने जो भी बात प्रपोजल रखा प्रस्ताव रखे आज तक ऐसे प्रस्ताव कभी पारित नहीं हुए जो यूनैनिमसली एक रूपता के साथ में प्रस्ताव पारित किए, इसलिए मैं मोदी साहब का नागौर की धरा पर अभिनंदन करता हूँ। महिलाएं बैठी हैं बड़ी संख्या के अंदर, चाहे आपका गैस का चूल्हे से लगा करके अभी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है, अगले कुछ सालों में आप यानी 33% आरक्षण की वो विधानसभा और लोकसभा में आने वाली हैं आप लोग, तो आप सब एक बार और जोर से ताली बजा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें कि आपके कारण ये मिलने वाला है। जोरदार तालियों से स्वागत करें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, खड़े होकर के अभिनंदन करें, तालियां नहीं रुके। मोदी भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वीर तेजाजी महाराज की। वीर तेजाजी महाराज की। माता मीराबाई की। माता मीराबाई की। संत जाम्बोजी महाराज की। संत जाम्बोजी महाराज की। जाहरवीर गोगाजी की। जाहरवीर गोगाजी की। राणाबाई दधिमती माता की। राणाबाई दधिमती माता की। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे दो दो बड़े दर्शन का अवसर मिल रहा है, एक तेजाजी मंदिर के दर्शन करके, अब जनता जनार्दन का दर्शन कर रहा हूं। और मैंने तो नागौर के लोगों को ये कहते हुए सुना है कि नागाणो
नीतरो भलो। और मैं यहां भी वही मिजाज देख रहा हूं। नागौर का, मारवाड़ का फैसला साफ है, कांग्रेस को हटाना है, भाजपा को ही लाना है। और अभी अभी दिवाली के दिन अभी अभी गए हैं, हमने देखा है कि हमारी माताएं बहनें वैसे तो पूरे घर को बहुत साफ सुथरा रखती हैं, बारह महीना वो मेहनत करती हैं, लेकिन दिवाली के दिनों में घर के कोने कोने में सफाई करती है, कोई कोना छूट ना जाए, छोटी सी बारीक जगह भी छूट ना जाए सफाई से। ये चुनाव में हमें उन माताओं बहनों से सीखना है, हमने भी ऐसी सफाई करनी है, ऐसी सफाई करनी है कोने में भी कांग्रेस बच न जाए। तो पक्का करोगे? अच्छा, माताएं बहनें मेरी मदद करेगी? ये सफाई आपको दिवाली में बहुत सफाई की है, लेकिन राजस्थान के लिए ये सफाई जरूर करनी पड़ेगी, करेंगे? आपने राजस्थान से कांग्रेस की विदाई का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। मेरे परिवारजनों, राजस्थान में कांग्रेस ने 5 साल में डगर डगर पर आपको विश्वासघात के सिवाय और कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने यहां आपको कुशासन वाली सरकार दी, कांग्रेस ने यहां आपको भ्रष्ट और घोटालों वाली सरकार दी, जहां सामान्य मानवीय की जान सुरक्षित नहीं, जहां बहनों बेटियों का सम्मान सुरक्षित नहीं। कांग्रेस ने राजस्थान को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। और कहते हैं ना कि जुबान पर दिन में एकाध बार सरस्वती आ जाती है, और जब सरस्वती आ जाती है जुबान पर, भले एक पल के लिए आ जाए, तो स्वाभाविक रूप से आपकी जुबान से सच निकल जाता है। और अभी अभी आपके यहां के जादूगर मुख्यमंत्री का ऐसा ही हुआ। यहां के मुख्यमंत्री ने खुद एक सच्चाई स्वीकार की। अभी एक जनसभा में मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि उनके उम्मीदवारों, उनके विधायकों ने कोई काम नहीं किया। ये उनके शब्द हैं, क्योंकि वो यहां अपनी कुर्सी बचाने में ही जुटे रहे। अब ऐसा हाल जिस कांग्रेस का हो, जो अपने में ही खोए हो, वो आपके लिए क्या करेंगे? दिल्ली दरबार अपने ही सीएम की कुर्सी को लूटने में बहुत बिजी, और सीएम उनसे निपटने में बिजी। इन लोगों ने राजस्थान की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया था।
अब चुनाव का समय आया है तो ये लोग बेमन से साथ साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं एक परिवार को जानता हूं, एक मैडम ने अपने सब परिचितों को एक दिन वाकई कार्ड छाप पर के निमंत्रण भेजा कि उन्होंने कहा कि हमारे यहां सेंचुरी का इवेंट है, शताब्दी का इवेंट है, आप सब जरूर आइए। तो सबको आश्चर्य हुआ कि भई ये इनके घर में ये सेंचुरी का इवेंट क्या है। दोस्तों वहीं रहना पड़ेगा, कोई जगह नहीं है, आप मुझे सुन सकते हैं। अभी भी लोग आ रहे हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है अगली बार मैदान बड़ा खोजेंगे। तो उस मैडम ने एक इनविटेशन कार्ड भेजा अपने परिचितों को कि मेरे घर में सेंचुरी का इवेंट है। तो सबको आश्चर्य हुआ, ये परिवार में क्या हुआ, ये सेंचुरी क्या चीज है। तो बड़ी कुतूहल से लोग गए और उन्होंने सबको इकट्ठा किया, अपने पति देव को भी बिठाया और बोले कि हमारे घर में आज सेंचुरी होने वाली है और आप लोगों के सबको साक्षी के लिए बुलाया है। बोले मेरे पति देव ने अब तक 99 बार सिगरेट छोड़ी है और आज 100वीं बार छोड़ने वाले हैं। मतलब उन्होंने क्या हो किया होगा आपको अंदाज आ गया होगा। 100 बार सिगरेट छोड़ी मतलब एक बार भी नहीं छोड़ी। वैसा ही यहां बार बार हाथ मिलन का कार्यक्रम होता है। मुख्यमंत्री और उनके जो दूसरे मुख्यमंत्री बनने के बेचारे इंतजार कर रहे हैं और बड़े बड़े दिल्ली से नेता आते हैं, कैमरा वालों को खड़ा करते हैं, फिर दोनों से हाथ मिलवाते हैं। इनका भी हाथ मिलन की सेंचुरी हो गई 5 साल में, लेकिन मिलाप नहीं हुआ। दिल में खटास है लेकिन ये लोग हाथ मिलाने का दिखावा कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि पिछले 5 साल राजस्थान में कुल मिलाकर के 5 साल में 100 सीएम थे, 100 सीएम अपने अपने क्षेत्र में हर माफिया, हर दबंग, हर दंगाई खुद को कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री से कम मानता ही नहीं था। और इसलिए ही यहां बहनों बेटियों पर, दलितों पर, वंचितों पर अत्याचार चरम पर है। यहां नागौर में भी दलित युवाओं की कुचल कुचल कर हत्या हुई, बेटियों से गैंगरेप हुआ। हालात ये हैं कि यहां साधु संत और पुजारी भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा कोई त्योहार नहीं जब राजस्थान में कर्फ्यू न लगाना पड़ा। ये सब कुछ कांग्रेस के तुष्टीकरण मॉडल की ही देन है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे, सबके सब लोग देंगे, बहनें भी देंगी, जो लोग दूर दूर खड़े हैं वो भी जवाब देंगे। अच्छा आप मुझे बताइए,
आपके पास घर है, बहुत बड़ा बंगलो है, खेत है, खलिहान है, घर में दो दो गाड़ी है, हर प्रकार से सुख है, वैभव है, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, जवान जोत बेटे हैं, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन बेटा या बेटी घर के बाहर निकले और आपको चिंता सताती हो कि शाम को सलामत घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, कहीं बेटे की लाश तो घर नहीं आएगी, कहीं बेटी पर कहीं बलात्कार तो नहीं हो जाएगा, मुझे बताइए, कितना ही धन हो, दौलत हो, बंगले हो, गाड़ी हो, खेत हो, खलिहान हो, लेकिन सुरक्षा न हो तो किस काम का। सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, सलामती मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, क्या राज्य का काम है कि नहीं है। आज राजस्थान की हर बेटी चीख चीख करके कह रही है कि कभी राजस्थान की धरती पर पहले ऐसी सरकार नहीं देखी जहां राजस्थान जैसी वीर भूमि में मेरी बेटियां असलामत हो। साथियों, पिछले कई महीनों से राजस्थान की लाल डायरी बड़ी चर्चा है, बड़ी सुर्खियों में है। लाल डायरी में कांग्रेस के अपने ही नेता ने कांग्रेस के कुशासन की इस कथा को पूरे विस्तार से लिखा है और तभी तो मुख्यमंत्री का अपना बेटा ये लिखकर देने को तैयार है कि पापा की सरकार इस बार नहीं आने वाली। पापा की सरकार इस बार नहीं आने वाली। अरे गहलोत जी, क्या हो गया, आपका जादू आपके बेटे पर भी नहीं चल रहा है क्या? और इसलिए तो भाजपा जो कहती है ना, गहलोत जी कौनी मिले वोट जी, ये उनका बेटा भी वही कह रहा है। अब तो बेटे ने ही बोल दिया है, पापा जी कौनी मिलो वोट जी, तो मारवाड़ के, नागौर के आप युवा साथी मुझे बताएं, ये पापा की सरकार को विदाई देंगे क्या? ये जादूगर की सरकार को विदाई देंगे क्या? सीएम के बेटे की इच्छा पूरी करेंगे ना, पक्का करेंगे? मेरे परिवारजनों, एक तरफ कांग्रेस के पास लूट का लाइसेंस है, वहीं दूसरी तरफ मोदी का गारंटी कार्ड है। आपका किस पर भरोसा है, आपका किस पर भरोसा है? मोदी के गारंटी कार्ड पर पूरा देश भरोसा करता है तो उसके कुछ ठोस कारण है, हवाबाजी नहीं है,
जमीनी सच्चाई है और एक एक गारंटी पूरा करने के लिए समय का प्रत्येक पल दिन रात आपको किए हुए वादे पूरे करने के लिए खपा दिए हैं। भाजपा ने गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाएंगे, 370 हटाएंगे। मोदी ने गारंटी पूरी की कि नहीं की? मोदी ने गारंटी पूरी की या नहीं की? भाजपा ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। ये गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? ये गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? आन बान शान के साथ पूरी हुई कि नहीं हुई? भाजपा ने गारंटी दी थी कि तीन तलाक को खत्म कर देंगे, तीन तलाक को खत्म कर देंगे। मोदी ने ये गारंटी पूरी की या नहीं की? जरा माताएं बहनें बताइए, पूरा किया कि नहीं किया? माताओं बहनों की इज्जत बचाने का काम किया कि नहीं किया? मुस्लिम कन्याओं को सम्मान दिलाने का काम किया कि नहीं किया? मुस्लिम बेटी के बाप को चैन से नींद मिले ऐसा काम किया कि नहीं किया? और कुछ लोगों को लगता है मैं जब तीन तलाक की बात करता हूं तो सिर्फ मैं मुस्लिम महिलाओं के लिए कह रहा हूं, वो तो है ही। जब तीन तलाक का कानून बना तो मुस्लिम मां बाप, बहन का भाई, उनको भी सहायता मिली कि अच्छा हुआ अब बेटी को शादी करके भेजेंगे और 8-10 साल के बाद बेटी वापिस नहीं आएगी। बहन को शादी करेंगे और तीन तलाक के कारण वापिस नहीं आएगी, भाई भी खुश है, पिता भी खुश है और वो बेटी भी खुश है कि इतने सालों के बाद उसको सम्मान से जीने का अवसर मिला है। ये मोदी की गारंटी होती है। भाजपा ने गारंटी दी थी कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देंगे। आप मुझे बताइए ये गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? मारवाड़ के मेरे परिवारजनों, यहां के तो अनेक साथी राष्ट्र रक्षा में जुटे रहे हैं, यहां पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में जाने की एक परंपरा है। ये वीर माताओं की भूमि है जिसकी कोख से वीर पैदा होते हैं। देश की सीमा पर रक्षा करने के लिए कोई गांव कोई घर ऐसा नहीं होगा जो देश के लिए जीता ना हो। झूठे वादे करने वाली ये कांग्रेस 4 दशक तक पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन के लिए लटकाती रही, भटकाती रही। और चालाकी कैसी करते हैं, जादूगरी कैसी करते हैं, उन्होंने 2013 में 500 करोड़ रुपया का बजट में प्रबंध किया और जगह 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 कर मालाएं पहनी कि बाद वन रैंक वन पेंशन हो गया। लेकिन देश के सैनिकों ने, देश के पूर्व सैनिकों ने, देश के पूर्व सैनिकों के परिवारजनों ने कांग्रेस से उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो 4 दशक से झूठ बोल रहे थे। मोदी ने सैनिक परिवारों को ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी, उसे पूरा किया कि नहीं किया? पूरा किया कि नहीं किया?
और ये कांग्रेस की जादूगरी देखिए, चालाकी देखिए, बेईमानी देखिए। 500 करोड़ की बात कही थी, ओआरओपी लागू होने के बाद पूर्व सैनिकों के परिवारों को अभी तक 90,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब मुझे बताइए, क्या 500 करोड़ से कुछ हो सकता था? ये झूठ था कि नहीं था? 90,000 करोड़ लगा है। और इतना ही नहीं, ये भाजपा सरकार है जिसने हमारी बेटियों के लिए सेनाओं में भर्ती के दरवाजे खोले हैं। ये भाजपा सरकार है जिसने सैनिक स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए खोले हैं। ये भाजपा की सरकार है जिसने केंद्रीय पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या को दोगुना किया है। जब ये काम होते हैं तभी देश कहता है, विश्वास से कहता है, भरोसे से कहता है, खुल करके कहता है, हर गली मोहल्ले से कहता है, तभी देश आवाज में कहता है कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, जब संकट आता है, किसी भी व्यक्ति की असली परीक्षा तब होती है। आप देखिए, कोरोना के रूप में 100 साल का सबसे बड़ा संकट पूरी दुनिया पर आया, लेकिन उस संकट काल में कांग्रेस ने क्या किया? उस समय कांग्रेस देश में अराजकता फैलाने में जुटी थी। राजस्थान सहित पूरे देश के अनेक लोग विदेशों में फंसे थे। हम पूरी दुनिया से एक एक भारतीय को लेकर आए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इसका भी विरोध किया। जब टीके की बारी आई तो कांग्रेस के नेताओं ने विदेशी टीकों के लिए मुहिम चलाई, टीके बाहर से लाओ, बाहर से खरीदो, कितना ही महंगा हो, कितनी शर्तें हो, बस बाहर से लाओ। मैं तो अब तक समझ नहीं पाया हूं कांग्रेस को विदेश से ये इशारे करने वाला कौन था। भारत ने बहुत परिश्रम करके वैक्सीन तो बनाया, कम से कम समय में मेड इन इंडिया वैक्सीन टीके तैयार किए। जब टीके तैयार हो गए, दुनिया में मान्यता मिल गई, तब कांग्रेस के लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू किया कि ये तो मोदी के टीके हैं, ये भाजपा के टीके हैं। कांग्रेस भारत के टीकाकरण अभियान को फेल करने में जुटी थी ताकि यहां हाहाकार मचे और मोदी को उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो जाए। क्या इतनी ओछी राजनीति करोगे? लोगों को मरने के लिए मजबूर करोगे इसलिए कि आपकी राजनीति चले? लेकिन राजस्थान के आप सभी के लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस की साजिश को नाकाम कर दिया, देश भर में नाकाम कर दिया। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे सफल टीकाकरण अभियान चलाया। आपको टीका लगा था कि नहीं लगा था? वैक्सीन लगा था कि नहीं लगा था? मुफ्त में लगा कि नहीं लगा? मुसीबत के उन दिन में मोदी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? घर घर जाकर के लगवाया कि नहीं लगवाया? दुनिया के अनेक समृद्ध देश आज भी कोरोना के कारण पैदा हुआ संकट में फंसे हुए हैं, लेकिन भारत इस संकट से भी निकला और दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती आर्थिक ताकत भी बन गया। मेरा परिवारजनों,
कोरोना काल इतना भयंकर था, मौत मंडरा रहा था, मुसीबत इतनी गंभीर थी कि मां बीमार हो तो बेटा वहां ना जा सकता नहीं था, कमरे में नहीं जा सकता था, बेटा बीमार हो तो उसकी प्यारी बच्ची भी उसके पास नहीं जा सकती थी, कहीं उसको कोरोना लग जाए। हर किसी को डर था कहीं कोरोना घर में घुस न जाए और कहीं यमराज की सवारी आ न जाए, परिवार को कोई नुकसान न हो जाए। बाहर भी दुनिया ठप पड़ी थी, व्यापार रोजगार पर बहुत बड़ा संकट आया था, और उस समय ये आपका बेटा, दिन रात आपकी चिंता करता था। और तब मैंने तय किया था, कुछ भी हो जाए, मुसीबत भयंकर है, 100 साल में ऐसी मुसीबत नहीं आई है, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने ऐसा कुछ देखा हो। और तब मैंने फैसला कर लिया, किसी भी परिवार का बच्चा भूखा नहीं सोएगा, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां चूल्हा न जले। और इसलिए ये आपके बेटे ने अन्न के भंडार खोल दिए और परिवारों को मुफ्त राशन दिया। ये मुफ्त राशन का ये मोदी का गारंटी कार्ड बना था। मुझे भाई बहन बताइए कि पवित्र काम था कि नहीं था? भूखे को रोटी खिलाना ये पवित्रता है कि नहीं है? प्यासे को पानी पिलाना ये पवित्र काम है कि नहीं है? मेरे देश के 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त में अनाज मिल रहा है, ये पुण्य का काम है कि नहीं है? जरा पूरी ताकत से बताइए, पुण्य का काम है कि नहीं है? ये पुण्य किसको मिला? ये पुण्य किसको मिला? ये पुण्य किसको मिला? ये गरीबों को इतना अन्न खिलाया, पुण्य किसको मिला? मोदी को नहीं मिला है, ये पुण्य आपको मिला है, क्योंकि आपने एक वोट देकर मोदी को बिठाया है। ये आपके वोट की ताकत है कि 80 करोड़ लोग आज भी मुफ्त में अनाज प्राप्त कर रहे हैं और उनकी थाली गरम थाली में भोजन कर पा रहे हैं। इसका पुण्य आपका है, उस पुण्य के हकदार आप हैं। मोदी को तो आपने एक वोट देकर के निमित्त बनाया है, पुण्य आपका है। आपके वोट की ताकत देखिए। और इसीलिए मोदी ने मन बना लिया है, संकल्प किया है, क्योंकि दिसंबर में योजना पूरी हो रही है, लेकिन मैं तो आप ही लोगों से बीच से निकला हूं, इसलिए मेरा मन कहता है मैं दिसंबर में इसको बंद नहीं होने दूंगा, 5 साल के लिए आगे बढ़ाऊंगा, 5 साल के लिए आगे बढ़ाऊंगा। आयुष्मान भारत कार्ड आपकी जेब में, पूरे देश में कहीं भी कभी भी मुफ्त इलाज का गारंटी कार्ड है जो मोदी ने दिया है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाए, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, गंभीर से गंभीर बीमारी वहां कुछ लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई अस्पताल पूछेगा नहीं पैसे है कि नहीं, सर मोदी का गारंटी कार्ड देखेगा, आपकी सेवा शुरू हो जाएगी। गरीब को पक्का घर, बिजली गैस कनेक्शन, नल और नल में जल, ये सारी गारंटियां मोदी निरंतर पूरी करता रहता है। और मैं आपको भी कहता हूं, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में,
अभी भी जो बच गए होंगे, जिनके पास कच्चा घर होगा, गरीब परिवार होगा, उनको जाकर के बता दीजिए कि कांग्रेस सरकार में काम धीमा होने के कारण तुम तक पहुंचा नहीं है, लेकिन अब भाजपा सरकार आने वाली है और मोदी की गारंटी है वो काम भी पूरा कर दिया जाएगा। जिसको भी जानते हो, ये मेरी गारंटी, आपको मैं गारंटी देता हूं, बता देना, ये उसको हो जाएगा काम। मैं तय करके बैठा हूं कि मुझे करना है। कोई गरीब किसी योजना से छूटेगा नहीं, ये मोदी की गारंटी है। नागौर के मेरे युवा साथियों, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने आपके साथ जो धोखा किया है वो भी मैं समझ सकता हूं। आपने बहुत मेहनत की लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली, आपकी परीक्षा का पेपर कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने लाखों रुपयों में बेच डाला। और आप देखिए, मैंने तो हिंदुस्तान में न कभी सुना है न देखा है, और आज मैं राजस्थान से देख रहा हूं, कभी सच्चाई वाले की अलमारियों से, कभी गणपति प्लाजा के लॉकरों से नोटे निकल रही है, नोटे, और साथ में सोना भी निकल रहा है, खजाना। ये कांग्रेस का वो पाप है जो उसने राजस्थान के नौजवानों के साथ किया है। किसान साथियों, ये पैसा, ये सोना आपकी खाद को अवैध तरीके से बेचकर लॉकरों में रखा गया है, आपकी खदानें आपका रोजगार है, लेकिन कांग्रेस ने खदानों की बंदरबांट की, खनन माफिया को बढ़ावा दिया। ये काली कमाई, ये सोने की ईंटें आज मोदी बाहर निकाल रहा है। ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे इन भ्रष्टाचारियों को ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिन्होंने देश को लूटा है उन्होंने लौटाना पड़े कि नहीं लौटाना पड़े? मैं सही कर रहा हूं? जो चीज आपको पसंद है वो मैं कर रहा हूं? कांग्रेस वाले मेरे पर बौखलाए हुए हैं कि मोदी ये क्यों कर रहा है, और दिन रात हम मोदी को गाली पे गाली दे रहे हैं। कल तो कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े, बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए, उनको गाली दे रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस को? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी के पिताजी को गाली दे रहे हैं। खड़गे जी, आप तो ऐसे नहीं थे, आपका हाल ऐसा कैसा हो गया? लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप आश्वस्त रहिए, मुझे कितनी ही गालियां क्यों न पड़े, मेरे लिए कितना ही बुरा क्यों न सोचा जाए, लेकिन मैंने आपको गारंटी दी है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। आप आश्वस्त रहिए, हर भ्रष्टाचारी का हिसाब होगा। और ये मोदी है, हिसाब कच्चा नहीं करता है, पक्का करता है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने गरीब, दलित, ओबीसी, आदिवासी, इन परिवारों को हमेशा वंचित रखा है। आजादी के बाद 6 दशक तक कांग्रेस ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सरकारें चलाई है। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी।
कांग्रेस ने बाबा साहब की राजनीति को ही खत्म करने के लिए अभियान चलाया। कांग्रेस को 50 साल तक ओबीसी समाज के लिए आरक्षण की याद नहीं आई। ये भाजपा सरकार है जिसने राजस्थान में जाट समुदाय को आरक्षण की सुविधा दी। ये भाजपा सरकार है जिसने ओबीसी कमीशन को संविधान दर्जा दिया। ये भाजपा सरकार है जिसने मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी युवाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किए। ये भाजपा सरकार है जिसने सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की। और यही भाजपा का सबका साथ सबका विकास का मंत्र है। मेरे परिवारजनों, नागौर की पान मेथी और गुलाब की खेती और गुलकंद के स्वाद हिंदुस्तान के हर कोने में इसकी चर्चा होती है। नागौर की मिर्च भी बहुत मशहूर है। यहां कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार हो, यहां कोल्ड स्टोरेज बने, भंडारण की सुविधाएं बने, ये काम भाजपा ही कर सकती है। इस प्रकार की खेती से बड़ी संख्या में हमारे छोटे किसान जुड़े हैं, लेकिन कांग्रेस ने छोटे किसानों की कभी सूद नहीं ली। आपने मुझे दिल्ली में बिठाया और मैंने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की। अभी तक इस योजना के तहत करीब 2,80,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में पहुंच चुके हैं। और एक भी कटकी कंपनी ने, कोई कमीशन ने, कोई चोरी नहीं। राजस्थान भाजपा ने संकल्प लिया है कि वो अपनी तरफ से इसमें और 6,000 जोड़ने वाले हैं। यानी भाजपा सरकार बनने के बाद राजस्थान के किसानों को डबल यानी 12,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। किसान साथियों, गेहूं हो, धान हो, दलहन हो, तिलहन हो, बीते 9 सालों में इनके एमएसपी में भाजपा ने रिकॉर्ड वृद्धि की है। राजस्थान भाजपा ने गेहूं के एमएसपी को लेकर बहुत बड़ा संकल्प लिया है। आपको सस्ती खाद मिले, इसके लिए भी मोदी ने सरकारी खजाना खोल दिया है। दुनिया में, ये मेरे किसान भाई बहन याद रखे, दुनिया में आज यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपए तक मिल रही है, यूरिया की एक बोरी की कीमत दुनिया में करीब करीब 3,000 रुपए चलती है। भारत में मोदी आपको वो 300 से भी कम रुपयों में देता है। मेरे परिवारजनों, दिल्ली में मैंने आपके गांव की सड़कों, हाईवे, रेलवे, इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। लेकिन जब यहां के गांव के लोगों को बातें सुनता हूं तो बताते हैं कि सड़कों का बुरा हाल है। जैसे आपके नेशनल हाईवे चौड़े हो रहे हैं, पुल बन रहे हैं, रेलवे का विद्युतीकरण हो रहा है, वैसे गांव गांव की सड़कें भी चकाचक करने का भाजपा ने निर्णय किया है। आप सभी आजकल खेल के मैदान में भारत के खिलाड़ियों का कमाल देख रहे हैं। यहां के हमारे बेटे बेटियां भी कमाल करें, इसके लिए खेलो इंडिया अभियान के तहत खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। नागौर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का काम भी जल्द पूरा होने जा रहा है। मेरे परिवारजनों, विकास और विरासत को सम्मान, इसके लिए भाजपा पहचानी जाती है। नागौर जिले में भी वीर तेजाजी पैनोरमा, जाम्बोजी पैनोरमा, अमर सिंह राठौड़ पैनोरमा, ऐसे काम भाजपा ने किए हैं। मैंने 15 अगस्त को लाल किले से संत मीराबाई की 525वीं जयंती राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की बात कही थी। कुछ दिनों बाद इससे जुड़ा बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम होने जा रहा है। राजस्थान भाजपा ने विरासत आधारित पर्यटन के लिए भी एक रोड मैप बनाया है। इसके यहां के नौजवानों का बहुत लाभ होने वाला है। मेरे परिवारजनों, आपका एक वोट राजस्थान की, देश की दिशा बदलने वाला है। इसलिए मत काटने के सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल खिलना चाहिए। आप गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर बूथ में पहुंचेंगे, पक्का पहुंचेंगे। अच्छा, मैं अभी एक आपको एक वाक्य बुलाऊंगा, आप सबको बोलना है
और अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट जला करके बोलना है। बोलेंगे, आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है आपको? सबको बोलना है। क्या बोलेंगे? कमल चुनेगा राजस्थान। जरा बोलिए, क्या बोलेंगे? ठीक है, मेरे साथ बोलिए, मोदी की गारंटी पर, मोदी की गारंटी पर, मोदी की गारंटी पर, नागौर की हर संतान, नागौर की हर संतान, अमर सिंह का, अमर सिंह राठौर का शौर्य महान, कमल चुनेगा राजस्थान। आपको बोलना है अमर सिंह राठौर का शौर्य महान, वीर तेजा जी को सम्मान, वीर तेजा जी को सम्मान, भ्रष्टाचार पर लगे लगाम, भ्रष्टाचार पर लगे लगाम, बहन बेटी को मान सम्मान, बहन बेटी को मान सम्मान, दंगाइयों की बंद होगी दुकान, दंगाइयों की बंद होगी दुकान। अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बोल दिया, ये बात घर घर पहुंचाओगे। अच्छा, मेरा एक काम करना है, करेंगे? आवाज धीरी हो गई, करेंगे? देखिए, ये चुनावी काम नहीं है, करोगे? मेरा पर्सनल काम है, करोगे? पक्का करोगे? तो एक काम करना, हर परिवार में जाना और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी नागौर आए थे। क्या कहेंगे? पीएम मोदी आए थे ऐसा नहीं कहना है, अपने मोदी जी नागौर आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर घर में मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। जब परिवार में मेरा प्रणाम कहेंगे, परिवार में मेरा राम राम कहेंगे, परिवार में मेरा नमस्ते कहेंगे, तो परिवार मुझे आशीर्वाद देगा। और जब हर परिवार से आशीर्वाद मिलता है तो मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है, आप लोगों के लिए दिन रात काम करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए मेरी ये बात घर घर पहुंचाना है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नागौर के विधायक